दोस्तों पहले आर्मी की ट्रेनिंग 9 महीने की होती थी, लेकिन अग्निवीरों की ट्रेनिंग सिर्फ 6 महीने की होगी। और जिस पर मोदी सरकार ने बोला है कि जवानों के साथ ट्रेनिंग में किसी भी तरह की कोई ढिलाई नहीं बरती जाएगी, उन्हें प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाएगी, जवानों को अच्छी तरह से तैयार किया जाएगा, तो दोस्तों अब सवाल उठता है कि आखिर ट्रेनिंग कैसे होगी और उसमें क्या क्या सिखाया जाएगा। दरअसल दोस्तों अग्निवीरों को करीब 24 हफ्तों की ट्रेनिंग दी जाएगी और इन्हें 24 हफ्तों के ट्रेनिंग पीरियड को 2 चरणों में बांटा गया है, जिसमें पहला है बेसिक ट्रेनिंग और दूसरा है टेक्निकल ट्रेनिंग। तो इसमें पहले 20 हफ्तों की बेसिक ट्रेनिंग होगी और बाकी ये 4 हफ्तों में टेक्निकल ट्रेनिंग दी जाएगी। बेसिक ट्रेनिंग में मुख्यतः 4 तरह की ट्रेनिंग कैंडिडेट को दी जाएगी, जिसमें पहली है फिजिकल ट्रेनिंग, जिसमें जवानों को रनिंग एक्सरसाइज, पुशअप, पुलअप, फ्रंट रोल, बैक रोल, हॉरिजॉन्टल रोल आदि इस तरह की एक्टिविटी करवाई जाएगी। इसका मकसद होगा जवानों को शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत बनाना, जिससे कि वे किसी भी परिस्थिति का सामना कर सके। फिजिकल ट्रेनिंग सुबह 1 से 1.5 घंटे तक कराई जाएगी, लेकिन फ्रंट रोल और बैक रोल पूरे दिन में किसी भी समय लगवाए जा सकते हैं, जब भी जवान कोई गलती करेगा। इसी के साथ ही बेसिक ट्रेनिंग के दौरान जवानों को ड्रिल ट्रेनिंग भी दी जाएगी, जो कि इस तरह से करवाई जाती है और इन 20 हफ्तों में जवानों को ड्रिल के लिए प्रॉपर तैयार कर दिया जाता है। फिर फिजिकल और ड्रिल ट्रेनिंग के बाद कैंडिडेट को वेपन ट्रेनिंग भी दी जाएगी, जिसमें जवानों को सभी तरह के हथियार औजार चलाने सिखाए जाएंगे। वेपन ट्रेनिंग का एक ही मोटो होता है, एक गोली और एक दुश्मन, और इसी मोटो के साथ जवानों को हथियार के रखरखाव, उन्हें बांधना, खोलना और उन्हें चलाने के तरीकों के बारे में सिखाया जाएगा और दुश्मनों का किस तरह से सामना करना है, उन्हें कैसे मार गिराना है, ये सब वेपन ट्रेनिंग में कैंडिडेट को जवानों को सिखाया जाएगा। इसी के साथ ही जवानों को नेविगेशन ट्रेनिंग भी दी जाएगी, जिसके दौरान जवानों को नक्शा पढ़ने के बारे में और उसकी बारीकियों के बारे में सिखाया जाएगा। तो इस तरह से इन 20 हफ्तों के अंदर जवानों को कड़ी ट्रेनिंग से गुजरना होगा और एक आम नागरिक को आर्मी जवान के रूप में बदल दिया जाएगा। उसके बाद जवानों को 4 हफ्ते की टेक्निकल ट्रेनिंग से गुजरना होगा, जिसमें जवानों को उसकी ट्रेड के अनुसार ट्रेनिंग दी जाएगी। जैसे अगर कैंडिडेट ने टेक्निकल ट्रेड ले रखा है तो उसे सेना में यूज होने वाले इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के बारे में सिखाया जाएगा, और अगर कैंडिडेट ने ट्रेड्समैन ट्रेड ले रखा है तो उसे साफ सफाई के काम सिखाए जाएंगे। इस तरह से अलग अलग ट्रेड के अनुसार कैंडिडेट को जवानों को अलग अलग काम सिखाए जाएंगे और उसी के हिसाब से कैंडिडेट्स को ट्रेनिंग दी जाएगी। तो इस तरह से अग्निवीर जवानों को ट्रेनिंग दी जाएगी। और बात करें इनकी दिनचर्या की कि सुबह से लेकर शाम तक इनका डेली रूटीन कैसा रहेगा, तो जवानों को डेली सुबह 4:30 बजे उठा दिया जाएगा, जिसके बाद उन्हें फ्रेश होना होगा और अपने बिस्तर को और बाकी सामानों को अच्छी तरह से सही ढंग से मेंटेन करके रखना होगा, जिसके बारे में उन्हें ट्रेनिंग के दौरान सिखाया भी जाएगा। जिसके बाद उनकी फिजिकल ट्रेनिंग होगी, जो कि सुबह 1 से 1.5 घंटा तक चलेगी, जिसके बाद लगभग 7 बजे नाश्ता करना होगा और फिर 8 बजे से फिर से ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी और वह लगभग दोपहर के 1 बजे तक चलेगी, जिसमें अलग अलग तरह की एक्टिविटीज़ करवाई जाएगी, जिसके बाद दोपहर का खाना होगा और फिर लगभग 4:30 बजे सभी जवानों को गेम खिलवाया जाएगा, जिसमें सभी जवान अपनी पसंद का गेम चुन सकते हैं, जिसके बाद लगभग 8 बजे तक रात का खाना हो जाता है और 9 बजे तक सभी अपने अपने बिस्तर में चले जाएंगे और इस दौरान सभी कैंडिडेट्स को शेड्यूल के अनुसार एक एक करके नाइट ड्यूटी भी देनी पड़ेगी। इसके साथ ही ट्रेनिंग के समय ही अलग अलग तरह की प्रतियोगिता भी वहां पर होती है और हफ्ते में एक दिन फिल्म भी दिखाई जाती है। तो दोस्तों इस तरह से ट्रेनिंग के दौरान अग्निवीर जवानों का डेली का रूटीन रहेगा। अगर इससे संबंधित आपका कोई सवाल है, कोई जानकारी आपको चाहिए तो आप हमें नीचे कमेंट कीजिए। वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।